अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी और आलू के साथ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने लिया है एक पतीला, उसके अंदर ऑयल डाला है हाफ कप के करीब, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज और इसको जो है वो हम ब्राउन करेंगे। जो प्याज हैं जी वो ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको इसके अंदर पकाएंगे। और अब हम डालेंगे टमाटर और सब्ज मिर्च, जो तकरीबन जो टमाटर थे वो हमने लिए थे तकरीबन एक पाव के करीब, और अब हम इसको इसके अंदर पकाएंगे। जो टमाटर हैं वो इसके अंदर डाल दिए थे हमने, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन जो है वो हमारे पास तकरीबन एक किलो के करीब है, और अब हम इस चिकन को इसके अंदर पकाते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी सूखा धनिया जो हमने कूट लिया था और इसके अंदर ऐड किया था। उसके बाद जो है वो 3 से 4 काली मिर्च साबुत, और 2 अदद जो है वो हम डालेंगे इसके अंदर, 2 से 3 अदद लौंग और तेज़पत्ता। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक की, सूखा धनिया पीसा हुआ 1/2 चम्मच के करीब, और 1/2 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च की, ज़ीरा पाउडर, और हमने एक लाया था बिरयानी मसाला, नेशनल का बिरयानी मसाला आया था, और वो हम इसके अंदर 1 पैकेट के करीब जो है वो ऐड करेंगे खुशबू के लिए और जायके के लिए। और अब इसको हम डालते हैं, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था मसाले के लिए। और अब जो है वो हम ऐड करेंगे आलू। आलू जो है वो हमने 1/2 किलो लिए हैं, क्योंकि आलू वाली की बिरयानी बनाएंगे साथ चिकन की। तो अब इसके अंदर इस आलू को मिक्स करेंगे। चलो, हमने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं। अब ये करेंगे कि हम इसके अंदर जो है वो 1/2 कप के करीब जो है वो पानी ऐड करेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको डाल के रख देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं और चिकन है वो अच्छे से दम उठाते हैं जी। और हमारे जो आलू वगैरह हैं वो भी बीच में गल गए होंगे। अब हम इसको ढक्कन उठा के थोड़ी देर पकाएंगे, और फिर नेक्स्ट इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं, फिर वो आपको दिखाते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी दही। ये तकरीबन जो है हमारे पास 1/2 पाव के करीब था, और अब हम इसको हिलाएंगे पकाएंगे। अब हम रेडी करते हैं जी अपने चावल। पानी हमने रख दिया था, और इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, और इसके अंदर जो है वो हम ऐड करेंगे तेज पत्ता तोड़ दिया। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबुत बेसरा नींबू, और इसको उबलने देंगे। जो चावल थे वो हमने रख दिए थे भिगो के, तो अभी यह है कि जब ये अच्छे से उबल जाए फिर हम इसके अंदर जो है वो चावल ऐड करेंगे। हमारा कोरमा जो है वो तकरीबन रेडी हो गया। 1/2 चम्मच के करीब जो है वो हम गर्म मसाला डालेंगे, और कसूरी मेथी जो है वो हम इसके अंदर ऐसे पीस के और इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे, और इसके साथ ही जो है वो 1 अदद नींबू हाफ वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे और हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो जाएगा। पानी उबल गया जी, हमने इसके अंदर जो है वो नमक ऐड किया था, और अब हम इसके अंदर जो है वो चावल इसके अंदर ऐड कर दिए जी, और अब हम थोड़ी देर इसको उबलने देंगे और फिर इसको निकाल लेंगे, फिर आपको दिखा देंगे। चावल जी जो है वो 90% रेडी हो गए हैं, ये चेक कीजिए, और अब हम इसको निकालते हैं और फिर इसकी लेयर बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने इसके अंदर जी ऑयल डाला है, और अब इसके बाद जो है इसकी तह लगाते हैं। सबसे पहले जो है वो हम चावलों को
हमने चावलों की लेयर्स बना दी हैं, जो हमारी चूल्हे की आंच है उसको हम पहले 5 मिनट तेज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो उसको हल्की आंच के ऊपर रखेंगे। अब हम दम लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमने इसको दम पे लगाया था और दम को थोड़ा आप देखिए जो क्या ही खूबसूरत जो है वो हमारे चावल रेडी हुए हैं, प्यारा कलर आया है इनका। और ये देखिए अब हम इनको इसको डालते हैं प्लेट में और फिर आपको दिखाते हैं। भैया जी जो हमारी बिरयानी है वो रेडी हो गई है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आया इसको और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से गली हुई है, ये देखिए, और आलू भी ये देखिए। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी कीमती आराम से ज़रूर अदा कीजिएगा। हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।